नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मथुरा से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। डीजल टैंकर ने कार को टक्कर मारी है। माइलस्टोन 68 के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें आपको मथुरा से आ रही बड़ी खबर, हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत आपको बता दें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की। डीजल टैंकर ने कार को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार लोगों की मौत हो गई। सुरेश सैनी संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, कब और कब यह हादसा हुआ, कार में कितने लोग सवार थे और गलती किसकी बताई जा रही है? जी मैं भी बता दूं अंजलि आपको, ये हादसा आज रात उस समय हुआ जब मथुरा के थाना नौजिर इलाके के माइलस्टोन 68 के पास अचानक एक ऑयल का टैंकर जो था वो चलते रफ्तार में पलट गया और डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी साइड में जा पहुंचा, जहां आगरा की तरफ आ रही एक इनोवा कार के ऊपर जा टकराया, जिस इनोवा कार में लगभग 7 लोग सवार थे और 7ों की ही मौके पर मौत हो गई। इस हादसे से जहां पुलिस प्रशासन हड़कंप में आ गया, वहीं मथुरा के SSP और DM भी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी के शवों को गाड़ी से निकाला और उनको पोस्टमार्टम भेजा। आपको बता दूं कि ये दर्दनाक हादसा बड़ा ही भीवस था, जिसमें कि मथुरा के जो यमुना एक्सप्रेसवे है एक तरह से खूनी एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि जो डीजल का टैंकर था वो अनियंत्रित होकर रोड के दूसरे साइड डिवाइडर से टकराते हुए वो आ गिरा और एक गाड़ी पर वो आ गिरा, जिसकी वजह से इस गाड़ी में सवार 7ों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो डीजल टैंकर ने कार को टक्कर मारी, बताया जा रहा है डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी ओर आ गिरा, जिस वजह से ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। और चलिए